हाय फ्रेंड्स, मैं ज्योति स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल ज्योतिस आइडियाज़ फॉर ऑल में। और आज मैं जो आपको बताने जा रही हूँ, देखिए आपने FHR के बारे में बहुत सारी वीडियोस जो है वो देखी होंगी, लेकिन आज मैं लेके आई हूँ आपके सामने एक नया ओपिनियन। देखिए, हर महिला को कभी ना कभी उस FHR से पाला पड़ता ही है। तो हम बात कर रहे हैं FHR, फीटल हार्ट रेट। क्या ये सच में इतनी इम्पोर्टेंट है कि जिसके ऊपर मुझे वीडियो बनाना पड़ा? तो मैं कहूँगी हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इसके बिना कुछ भी नहीं है। तीन जो है चीज़ें मैं आपके सामने आज हमें रखूँगी, उन तीन और पहलुओं में आपको पता चल ही जाएगा कि FHR सच में इतना इम्पोर्टेंट होता भी है। देखिए, YouTube पे बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं FHR को लेके, कि जेंडर को लेके, या कितना होना चाहिए या कैसे होना चाहिए, लेकिन मैं आपके सामने लेके आई हूँ एक नया पहलू। आई होप आपको पसंद आएगा। तो फर्स्ट मैं स्टार्ट करती हूँ। जब एक महिला पहली बार प्रेग्नेंट होती है, वो घर पर टेस्ट कर लेती है, लेकिन उसके मन में एक असमंजस होता है कि क्या बेबी ठीक है, क्या मेरी प्रेगनेंसी कंडीशन वेल है। बहुत टेंशन रहती है, वो हॉस्पिटल जाती है, डॉक्टर के पास जाने तक उसके माइंड में बहुत सारी टेंशन्स जो है वो चलती रहती है उठा पटक। और एटलीस्ट डॉक्टर अगर उसको लास्ट में बोल देता है कि यार आपके बच्चे की धड़कन अभी नहीं आई, FHR नहीं है, प्रेजेंस, क्या बीतती है उस माँ पर, सारे सपने, सारे अरमान, सारी चीज़ें वहाँ फिनिश हो चुकी होती हैं। तो बताइए, क्या FHR छोटी चीज है? दूसरा पहलू, अगर आप प्रेग्नेंट हैं, अपने घर पे टेस्ट किया, आपके मन में फिर से वही विचार चल रहा है, और सपोज आपके साथ कोई ऐसी कंडीशन आपके साथ पहले, जैसे सपोज मिसकैरेज हुआ है या कुछ भी ऐसी जो है नेगेटिव कंडीशन रही है, और फिर वो वही आ जाती है। अगर आपके साथ स्पेशली रात में हो गई तो आप सो ही नहीं पाओगे, और सुबह जब आप डॉक्टर के पास जाओगे और वहाँ डॉक्टर अगर कह देता है कि टेंशन ना लें, बच्चे की धड़कन आ गई है, ओ हो, क्या खुशी होती है, क्या इसको एक्सप्लेन करा जा सकता है? उस माँ से पूछिए, क्या सच में उस खुशी को एक्सप्लेन करा जा सकता है? तो क्या FHR छोटी चीज़ है? मैं मानती हूँ नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक तीसरा पहलू, जब आप प्रेगनेंसी के सारे दौर से, फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक, और इवन आप वहाँ पहुँच चुके होते हैं जहाँ आपकी प्रेगनेंसी का एंड होने वाला है, अब आप हर समय डॉक्टर के पास नहीं जा सकते कि यार मेरा बच्चा बैल है या नहीं है। वहाँ एक माँ को काम करती है, घर का सारा काम कर रही है, और एक हल्का सा धक्का लग जाता है, या सपोज कुछ भी होता है, सबसे पहले अपने पेट पर हाथ रख के देखती है, अगर उसे बच्चे की धड़कन महसूस होती है, उसको लगता है सब ठीक है। अगर उसको वहाँ उस बच्चे की धड़कन महसूस नहीं हो रही है, उसको लगता है नहीं यार मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उसको टेंशन हो जाती है ना, उसको खाना अच्छा लगता है ना, उसको पानी अच्छा लगता है। तो क्या FHR छोटी चीज़ है? प्रेगनेंसी के उस पूरे 9 महीने के दौर से जब एक लेडीज़ गुजरती है, तो मैं मानती हूँ कि FHR बहुत इम्पोर्टेंट रोल रखता है। जब एक माँ को फर्स्ट टाइम पता चलता है कि बेबी का धड़कन आ गई है, ओ माय गॉड। और आजकल तो डॉक्टर्स क्लिनिक में माँओं की जिज्ञासा को देखते हुए सबसे फर्स्ट टाइम पेरेंट्स को बच्चे की धड़कन सुना देते हैं। बस उसको सुनने के बाद तो जब पेरेंट्स हॉस्पिटल से घर आ रहे होते हैं, क्लिनिक से घर आ रहे होते हैं, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होता, उनको लगता है पता नहीं उन्होंने क्या सुन लिया है, क्या हुआ है ऐसा जो उन्होंने सुना है। तो आज जो मैं आपके सामने जो वीडियो मैंने बनाया है वो यही है कि FHR कोई छोटी चीज़ नहीं है। और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ उन सभी माँओं से कि जो भी प्रेग्नेंट हैं,
जो FHR के लिए वेट कर रहे हैं, जो 9 मंथ तक FHR के भरोसे कि भाई मेरा बेबी ठीक है रहने वाले हैं, तो प्लीज़ उल्टी सीधी वीडियोस मत देखिए। किसी चीज़ से कुछ नहीं होने वाला है। FHR ओनली FHR है, ये एक साइंटिफिक वर्ड है, एक टेक्निकल लैंग्वेज है डॉक्टरी लैंग्वेज में, लेकिन अगर हम सही मायने में देखें तो ये FHR एक माँ के लिए जीवन है। उस माँ के लिए वो हैप्पीनेस है, वो खुशी है, वो अमेजिंग शब्दों में बयां करना शायद मेरे लिए भी मुमकिन नहीं है, लेकिन मैं खुद एक माँ हूँ तो मैंने जो चीज़ अनुभव की मुझे लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए। आई होप कि मेरी वीडियोस को सुनने के बाद में आपको ये लगेगा कि नहीं यार, जो FHR हमको इतनी मुश्किल से मिला है, हम उस FHR पे क्वेश्चन कर रहे हैं कि यार कितना होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए। भाई बच्चे की कंडीशन आपकी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आप टेंशन में हैं, बच्चे की धड़कन बड़ी होगी, आपका जैसा एनवायरनमेंट रहेगा उसके अकॉर्डिंग बच्चे की धड़कन अप डाउन चलती रहेगी, लेकिन इसका किसी और चीज़ से संबंध ना निकालें। क्योंकि मैंने खुद ये चीज़ अनुभव की है कि बच्चे का FHR जब आप फर्स्ट कराते हैं, सेकंड सोनोग्राफी कराते हैं, थर्ड सोनोग्राफी, हर सोनोग्राफी में बच्चे का जो FHR है वो बदलता रहेगा, लेकिन आपके लिए सिर्फ इतना ज़रूरी होना चाहिए कि बच्चे का FHR है। मैं तो यही कहूँगी कि ये FHR इतनी छोटी चीज़ नहीं है जिसके बारे में प्रश्न उठाए जाए। आई होप, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरा FHR का ये नया पहलू पसंद आया होगा। तो वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद, और अगर पसंद आया है या आपका कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। FHR के सारे और पहलू मेरे पास भी हैं, प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस या मैं अपनी प्रेगनेंसी स्टोरी आपके साथ शेयर करूं, तो आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। ऐसे ही अछूते जिन चीज़ों को हम कवर नहीं कर पाते हैं, उस चीज़ के पीछे का जो विचार है वो मैं आपके सामने लेके आऊँगी। और सच मानिए कि मेरी वीडियो आपके लिए मोटिवेशन जो है बनेंगी, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। तो आज के लिए धन्यवाद, आई होप सब हैप्पी रहे। थैंक यू।